खेती कानूनों लेके केंद्र सरकार अते किसान आगुआ विचाले नौवें दौर की गलबात शुरू हो गई है। तुहानू दस दईए कि किसान आगू अते केंद्रीय मंत्री विज्ञान भवन विखे गलबात कर रहे ने। इत्थे जिक्र योग है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानां नाल बैठक करन तों पहलां कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट वालों खेती कानूनां नूं लैके गठित की गई कमेटी का स्वागत करती है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी जदों सरकार नूं बुलाएगी तां सरकार अपना पक्ष रखने लई कमेटी सामने पेश होवेगी। उन्होंने कहा है कि असीं गलबात दी तरीक पहलां ही तय की सी, इसलिए किसानां नाल साडी गलबात जारी है। उन्होंने कहा है कि साडी लगातार कोशिश है कि किसानां दे नाल गलबात राही कोई राह निकल आवे। ब्यूरो रिपोर्ट, एकम टीवी। अभी पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। बैठक में जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से तारीख तय होती है, दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक।